स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल कीप स्माइलिंग में। तो हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन वीगो वीडियो के यूजर्स के लिए जो कि वीगो वीडियो पर नए हैं, जिन्हें वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिन्हें वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, जो वीडियो बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है, उनको ओरिजिनल साउंड लेने में दिक्कत आ रही है, उनको वीडियो में जो साउंड होते हैं उनको लेने में दिक्कत आ रही है, और वीडियो पोस्ट होने के बाद भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, वीडियो पर लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कोई उनकी वीडियो नहीं देख रहा है। तो आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो इस बारे में जानकारी के लिए ही आज ये वीडियो बन रही है, और मेन ये वीडियो वीगो वीडियो के नए यूज़र्स के लिए है। तो बाकी लोग भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए खासकर ये फ़ायदेमंद वीडियो है। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होगी, अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि वीडियो आप देख सकते हैं और वो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो जो नए यूज़र्स हैं, वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कैसे क्या होता है। मैं पूरा स्क्रीन टू स्क्रीन दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, वीडियो बनाने से लेके वीडियो पोस्ट करने तक का सारा डिटेल इसमें मिलेगा आपको। तो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीगो वीडियो ओपन कर लेना है। वीगो वीडियो ओपन करने के बाद यहाँ सर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको रेड कलर का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर टैप करेंगे। वन टाइम टैप करेंगे तो 15 सेकंड के लिए वीडियो स्टार्ट होगा, और अगर आप इसे होल्ड करके टैप करेंगे तो ये वीडियो 60 सेकंड पर जाएगा, जिसे आप 60 सेकंड तक का वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन दिया होता है, आप यहाँ पर म्यूज़िक पर टैप करेंगे तो यहाँ पर वीगो का पूरा फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी शायरी, डायलॉग, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, तेलुगू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, सब तरह के गाने सॉन्ग मिलेंगे। ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ट्रेंडिंग में आपको बहुत सारे गाने जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं ये यहाँ पर मिलेंगे आपको। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोकल का ऑप्शन दिया होता है, अगर आपको आपके मेमोरी कार्ड का कोई गाना लेना है या आपके फ़ोन से कोई गाना लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आपके मेमोरी कार्ड के सारे ऑडियो क्लिप्स आ जाएंगे यहाँ पर, जितनी भी ऑडियो क्लिप्स होंगी। और ध्यान रहे दोस्तों, 9 सेकंड के अंदर का ऑडियो क्लिप इस पर नहीं आएगा, कम से कम आपका ऑडियो 10 सेकंड का होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी ऑडियो क्लिप ले सकते हैं, जैसे कि आप सपोज़ ये 8 मिनट का है, ये 14 मिनट का है, ये 13 मिनट का, ये लेते हैं अपन। ठीक है, ये ऑडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से कंफर्म करेंगे ये आपकी फ़ाइल पर आ जाएगा, जैसा कि आप मुझे भी देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये आपकी फ़ाइल पर आ जाएगा। ये मेरा ऑडियो यहाँ पर मेरी फ़ाइल पर आ गया है। अब ये ऑडियो मैंने वीडियो लिया है 60 सेकंड का, लेकिन ये ऑडियो 13 सेकंड का है, तो मैं सबसे पहले ऑटो पॉज पर क्लिक करूँगा, और ऑटो पॉज पर क्लिक करने के बाद मैं इसको 13 सेकंड पर ऑटो पॉज कर दूँगा, ताकि ये वीडियो मेरा 13 सेकंड पर जाकर होल्ड हो जाए। कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आप कहीं भी आपका वीडियो, अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो आप ट्राइपॉड पर रख लें, या आप जो भी चीज़ रखते हैं कहीं ऐसा स्टेबल कर दें फ़ोन को कि वो हिले ना, डुले ना और ब्लर ना हो। यहाँ पर लाइटिंग आपके फेस पर प्रॉपर आए, जिससे कि आपका वीडियो ब्लर ना दिखे। जैसा कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मैं दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं इस मोबाइल को प्रॉपर जगह पर ले जाकर स्टेबल कर देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो स्टेबल हो रहा है, मेरा विंडो ऑफ है, ये देखिए। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़िल्टर ले सकता हूँ, बहुत सारे फ़िल्टर। आप ऐसे स्क्रीन रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिलेंगे, ये सारे फ़िल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी फ़िल्टर आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे मैं टचिंग फ़िल्टर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से ऑडियो पर जाना है तो मैं ऑडियो पर टैप किया। अब मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो मेरा जो ऑडियो रहेगा वो 13 सेकंड पर ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। और स्टार्ट करने के बाद अगर आप वीडियो में ऑटो पॉज कर रहे हैं तो ऑटो पॉज में ये वीडियो 5 सेकंड का आपको टाइमर देगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपको कोई टाइमर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। ये 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही आपका अगर वीडियो तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश होने के बाद यहाँ से आप इसमें इफ़ेक्ट डालना है तो वीडियोस पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसा कि ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो यहाँ पर अपडेट होते ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे इफ़ेक्ट्स ओपन हो गए। ये वाइब्रेट का इफ़ेक्ट है, ये आपका बज़ इफ़ेक्ट है,
ये सोल इफेक्ट है, ये आपका लीक इफेक्ट है, जो कि आपके चारों तरफ रोटेट रेड लाइन होगी। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक होगा या डार्क होगा तो ये डार्कली क्लियरली दिखेगी आपको। एक ये फ्लैश का ऑप्शन है, जूमिंग का ऑप्शन है, इंसुलिन का ऑप्शन है, इल्यूशन सॉरी इंसुलिन नहीं इल्यूशन है। उसके बाद एक ये 70S का ऑप्शन आता है। इस टाइप से ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप जो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट वहीं पर डालें जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, फालतू इफ़ेक्ट ना डालें, उससे वीडियो ख़राब होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से फिनिश कर दिया, मुझे इफ़ेक्ट सारे हटाने हैं, मैंने सारे इफ़ेक्ट्स हटा दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर फिनिश में गया। अगर मैं मेरी वीडियो पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा, तो यहाँ से मेरा यहाँ पर टैप करूँगा तो मेरा यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने टैप किया है, मेरा कीबोर्ड ओपन हो गया। मुझे जो भी टेक्स्ट डालना है, यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, कलर करना है, कलर के बाद यहाँ का शेडो देना है। इस चार पाँच तरह के आपको शेडो मिलेंगे। उसके बाद आप लेफ़्ट राइट टू फेड कर सकते हैं उसको, इस टाइप से जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यह नहीं करना है, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये बैक आ गया, कंफर्म कर दिया, कंफर्म हो गया, मेरे सारे टेक्स हट गए। अगर आप कोई कॉमेडी क्लिप बना रहे हैं तो उसमें आप साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये सब आप चेक कर लेना एक एक करके। इसमें क्लैपिंग का साउंड है, लॉफ है, रूस्टर है, बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट मिलेंगे जो कि आपके वीडियो के बैकग्राउंड पर चलेंगे जब आप इसे टैप करते हो तो, ठीक है गाइस। तो यहाँ से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद अगर आपको स्टिकर लगाना चाहते हैं आपकी वीडियो में, आपके वीडियो से रिलेटेड स्टिकर्स हैं, एमओजीज हैं, यहाँ पे फेस्टिवल के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। जैसे 2020 का लास्ट अपडेट हुआ था तो उस हिसाब से आप सारे स्टिकर हैं यहाँ पर, आप इस पर टैप करेंगे, ये यहाँ पर टैग हो जाएगा। आपको इसको जहाँ भी सेट करना है, जैसे आप आपकी मॉम के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आता है वीडियो पोस्ट करने की बारी। तो वीडियो पोस्ट करने के पहले सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें, आपका कवर अच्छा होना चाहिए। तो आप आपकी वीडियो पर टैप करेंगे तो यहाँ पर कवर का ऑप्शन आएगा, एक कवर वो रिकमेंडेड देता है जो कि डार्क होता है। आप यहाँ पर टैप करेंगे, रिकमेंडेड कवर है, बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन का कवर आप टैप कर सकते हैं, जो भी कवर आपको लगाना है। कवर ध्यान रहे, फिर से बोल रहा हूँ, कवर अच्छा होना चाहिए। आपका वीडियो का कवर जितना अच्छा होगा, वीडियो की पॉपुलरिटी, वीडियो का वायरल होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कवर अच्छा होगा सामने वाला आपकी वीडियो ओपन करके देखेगा, ठीक है। कवर सेट कर लिया, कवर सेट करने के बाद यहाँ पर कैप्शन ऐसा डालें कि सामने वाला वीडियो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। सपोज़ कोई भी वीडियो है, जैसे मैंने एटीट्यूड से रिलेटेड वीडियो डाली है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माई एटीट्यूड, माई एटीट्यूड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ स्माइली भी लगा देता हूँ। जिस टाइप से आपके वीडियो को आप जितना क्रिएटिव बना सकते हैं आप, उतना अच्छा आपका वीडियो वायरल हो सकता है, वीडियो वायरल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद अगर आपने कोई यूज़र्स को फॉलो किया हुआ था आप उन्हें भी टैग कर दें, लेकिन ध्यान रहे जो बड़े यूज़र्स हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं आप उन्हें टैग करेंगे तो वीडियो वायरल होने के चांसेस वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जैसे वीगो वीडियो ऑनियन हो गया, मैंने इनको टैग कर दिया। आप जिसको भी टैग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ लिखना चाहें कैप्शन में तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना चाहें कि मैं हर वीडियो देखे, फॉलो मी, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं फॉलो मी, ठीक है, फॉलो मी गाइस, वीगो वीडियो इन हो गया। उसके बाद हैशटैग ऐसा डालें जिससे रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो, जैसे रियलिटी है, डायलॉग्स है, मोटिवेशन है, फनी है, कॉमेडी है, जिससे रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड हैशटैग डालें। और हैशटैग डालते टाइम ध्यान रहे, जैसे कि मैं कोई कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, ये मैंने कॉमेडी डाला, तो जिस पर सबसे ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं आप उसी पर हैशटैग लगाएं, उससे वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि 815 के मतलब 815,000 लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप इसको टैप करेंगे तो ये हैशटैग आपका यहाँ पर टैप हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो पर पोस्ट पर चले जाइए। और अगर आपको पोस्ट नहीं करना है, हैंड टू हैंड टाइम मिला, वीडियो बना के रख ली, अभी पोस्ट नहीं करना है, तो आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपका पूरा प्रॉपर हो गया है, कहीं नहीं जाएगा। आप होम पे जाएंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन करेंगे, प्रोफाइल ओपन करके जब आप टैप करेंगे तो ये आपके देखिए सारे ड्राफ्ट वीडियो आपको दिख जाएंगे, और ये पूरा कंप्लीट है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप करिए, ये वापस से आपका वही पेज ओपन हो जाएगा। कोई एडिट नहीं करना है, डायरेक्ट पोस्ट करना है, तो आप यहाँ से इस वीडियो को डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो मेरा डायरेक्ट यहाँ सर पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने के बाद ये पूरा पोस्ट हो रहा है, पोस्ट होने के बाद पोस्ट हो जाने दीजिए 2 मिनट।
देखिए दोस्तों, ये वीडियो अपलोड हो गया है यहाँ पर पूरा, ठीक है। आप चाहें तो यहीं से इसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, आपकी फेसबुक स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे अपन, अपन वीडियो को ओपन करेंगे। ये हमारा वीडियो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप सबसे पहले डबल टैप करके लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपके जो जो सोशल नेटवर्किंग आप यूज़ करते हैं आप वहाँ वहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पर जितना व्यू आएगा उतना ही वायरल होने का चांसेस रहेगा, उसी उतना ही उस वीडियो पर फ्लेम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर वीडियो पर वीगो वीडियो फ्लेम नहीं देता है, लेकिन जो क्रिएटिव वीडियो होती है, जो अच्छी वीडियो होती हैं, जिसके पेज अच्छे होता है, जिसका होम पेज अच्छा होता है, जिसकी क्लैरिटी अच्छी होती है, उन वीडियो को वीगो प्रमोट करता है। तो गाइस देखिए, ये वीडियो अपन ने अपलोड कर दिया है, ये वीडियो का ट्रेंड कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। तो ध्यान रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और किसी प्रकार की और कोई समस्या आपको वीडियो से रिलेटेड या ऑनलाइन मेकिंग में आती है तो हमें जानकारी ज़रूर दें, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपको ओरिजिनल साउंड से रिलेटेड और कन्वर्टर से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते